हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मोनिका है और बाय प्रोफेशन मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग शादी के बाद कैसे कपड़े पहने जिससे आप लोग और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर सके। बट आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरा ये वीडियो भी चेक कर सकते हैं जिसमें मैंने 10 बेसिक फैशन एसेंशियल्स के बारे में बात की है जो ब्राइड्स को तो बहुत काम आएंगे, तो आप लोग इसे ज़रूर चेक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है सूट्स। शादी के बाद हम किस तरह के सूट्स अपने साथ लेकर जाएं, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो हर लेडी को एक बार ज़रूर स्ट्राइक करता है। आप लोग यहाँ पर अपने लिए एटलीस्ट एक ऑल ओवर हैवी सूट ज़रूर कैरी करें ताकि अगर कोई फंक्शन या इवेंट अटेंड करना हो तो आप लोगों के पास यहाँ एक हैवी सूट हैंडी हो। वहीं अगर आप लोग एक रॉयल और एलिगेंट लुक अचीव करना चाहते हैं तो आप लोग बनारसी सूट या फिर एक प्लेन सूट विद हैवी दुपट्टा के साथ जाएं, या हैवी दुपट्टे के लिए आप लोग अपना ब्राइडल दुपट्टा भी रीस्टाइल कर सकते हैं। ये दोनों ही लुक बहुत ट्रेंडी लगेंगे और साथ ही आप लोग यहाँ पर बहुत इजीली अपने मैरिड लुक को अचीव कर पाएंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने वार्डरोब में जितना हो सके ट्रेडिशनल पीसेस को इंक्लूड करें, जैसे बनारसी, बंधेज, पटोला एक्सेट्रा, बिकॉज गाइज ये चीज़ें कभी जल्दी से आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती, जो हर बार मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, और इसीलिए आप इनको बार बार रीयूज़ और रीस्टाइल कर सकते हैं। एंड एट लास्ट कुछ कैजुअल सूट्स के लिए आप लोग इन सभी सूट्स को चेक कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी कैजुअल सूट बनवाएं वो एक परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग का हो। नेक्स्ट है साड़ीज। किसी भी फंक्शन या ओकेजन के लिए अपने पास एटलीस्ट एक हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी या फिर हैंडलूम साड़ी ज़रूर रखें। अभी आपने ऐसी साड़ीज में कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या फेमस आइकन्स को देखा होगा, वहीं स्पेशली हैंडलूम साड़ीज जैसे जामधानी, बनारसी, बंधेज, पटोला, ये सब साड़ीज़ तो ऐसी साड़ीज़ हैं जो कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होती, इसलिए अपने वार्डरोब में एटलीस्ट ऐसी एक साड़ी ज़रूर रखें। वहीं अगर आप लोग ऐसी साड़ी ढूंढ रहे हैं जहां आप अपने इन-लॉज को भी इम्प्रेस कर सके और ख़ुद भी कंफर्टेबल फील कर सके, तो एक ऑल ओवर प्रिंटेड साड़ी के साथ जाएं, या फिर एक प्लेन साड़ी और हैवी ब्लाउज के साथ। यहां पर आप बहुत ही ईजिली एक स्टाइलिश और सोफिस्टिकेटेड लुक अचीव कर पाएंगे। थर्ड है मैक्सी ड्रेस। मैक्सी ड्रेस का बेस्ट पार्ट ये है कि ये सभी बॉडी टाइप पर बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अपने वार्डरोब पे एटलीस्ट एक ऐसा पीस ज़रूर इंक्लूड करें। इवन आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट ओकेजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट मैक्सी ड्रेसेस मिल जाएंगी मार्केट में, और साथ ही आप लोगों को इसमें कई कूल प्रिंट्स और सिल्वर्स भी मिल जाएंगे जो आप लोग यहाँ पर अपने हनीमून पर कैरी कर सकते हैं। फोर्थ है वेस्टर्न वेयर। वेस्टर्न वेयर में अपने बेसिक्स को इंक्लूड करना बिल्कुल ना भूलें, जैसे एक जीन्स, ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट और एक ब्लैक ड्रेस। अपने साथ एक परफेक्ट फिट की जीन्स ज़रूर लेकर जाएं, जिसे आप लोग फ्यूचर में किसी भी कुर्ती, टॉप या ट्यूनिक के साथ पेयर कर सकते हैं। वहीं ब्लैक एंड वाइट टी शर्ट्स को आप लोग बहुत अमेजिंग तरीकों से स्टाइल कर सकते हो, जिसे देखकर आप भी शौक हो जाओगे। ऐसी चीज़ों के लिए पिनइंटरेस्ट को सर्च करें। एंड एट लास्ट, ब्लैक ड्रेस विल ऑलवेज हैव योर बैक जब आपको लंच डेट्स पर जाना होगा अपने हस्बैंड या फ्रेंड्स के साथ। फिफ्थ है फ्यूजन ड्रेसेस। अपने साथ एटलीस्ट एक या दो फ्यूजन ड्रेसेस ज़रूर कैरी करें, बिकॉज ये पीसेस आपको मॉडर्न लुक तो देती ही हैं, बट साथ ही ये इतने वर्सेटाइल होते हैं कि इवन आप इनके सिर्फ सिंगल पीस से तीन या चार लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मानिए आपने यहाँ पर ये एक पीस परचेज किया है, क्रॉप टॉप, श्रग और स्कर्ट। अब अगर मैं खाली ये श्रग चूज़ करती हूँ तो आप इस श्रग को किसी क्रॉप टॉप, प्लाजो या साड़ी या कुर्ती के साथ स्टाइल कर सकते हैं। वहीं अगर खाली स्कर्ट उठाती हूँ तो आप इस स्कर्ट को किसी पेपलम टॉप या कुर्ती के साथ पेयर कर सकते हो, वरना आप एज इट इज ये पूरा लुक कैरी करें पर श्रग को हटाकर उसके बजाय दुपट्टा कैरी कर लें, तो आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर आपकी स्टाइलिंग के साथ आप लोग प्ले कर सकते हो। सिक्स एंड लास्ट है नाइट वेयर्स। अभी नई नई शादी है तो ऐसे पीसेस को अपने वार्डरोब में ज़रूर रखें, जैसे एक फैंसी नाइट वेयर के साथ साथ एक कंफर्टेबल कॉटन का नाइट वेयर अपने साथ ज़रूर रखें। और इस बार मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिंक्स मैं इवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर पाऊँ ताकि आप लोग वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकें। साथ ही आप लोग हमें कस्टम स्टिचिंग के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के थ्रू। इसके लिए आप लोग बस अपना फैब्रिक हमें भेज
भेजिए और मैं उसे ग्रीन ड्रेस में कन्वर्ट करके भेजूंगी जिसमें आप चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही ऐसे ही वीडियोस के साथ मैं हर ट्यूसडे आती रहूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर। बाय।